आपको यकीन नहीं आएगा कि कच्ची आलू से इतना कुरकुरा और इतना मज़ेदार डोसा बन सकता है। आज बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप सच में वाह वाह करते रह जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आपने पहले ना तो कभी खाया होगा और ना ही देखा होगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखिए क्योंकि देखते ही आप इसे बनाने भागेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस बहुत ही मजेदार सी रेसिपी की। तो आज हम आलू का डोसा बना रहे हैं। तो आलू के डोसे के लिए सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लीजिए, और हम क्या करेंगे, मिक्सी का जार थोड़ा सा बड़ा लेना है ताकि सारी चीज़ें हम इसमें आसानी से मिला सकें। तो सबसे पहले मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ 1 कप सूजी, बारीक वाली सूजी है, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। सूजी के बजाय आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं और बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने सूजी लिया ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बने। और अब इसमें 1/2 कप जितना मीठा दही ऐड कर देंगे। दही खट्टी ना हो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मीठा दही और फ्रेश दही का यूज़ कीजिए। अब हम ये डोसा आलू से बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं। इनको छील करके पानी में डाल दिया था ताकि काले ना पड़े, और इनको भी हम इसी जार में ऐड कर देंगे। तो जो पीसेस हैं मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे हैं, और ध्यान दीजिए कि जो मिक्सी में हम डाल रहे हैं वो एकदम बारीक हो जाना चाहिए। तो आप चाहें तो इनको बारीक बारीक भी आलू को काट सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी मैं यहाँ पर पहले 1 से 1.5 कप जितना डालूँगी, क्योंकि सूजी जो है बहुत सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान रहे, एक ही बार में बहुत सारा पानी डालेंगे ना तो पीसते समय बाहर आ जाएगी। पहले थोड़ा पानी डालें, फिर ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा डालें, और इसको हमें एकदम स्मूथ होने तक पीस के तैयार करना है। तो चलिए मिक्सी को रोक रोक के पल्स मोड पे हम इसको चलाएंगे और अच्छी तरीके से इनको बारीक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने आलू वाले मिश्रण को अच्छी तरीके से पीस कर तैयार किया है, और एक बार चेक कर लीजिए, थोड़ी भी आलू की गुठली रहे तो आप इसको फिर से एक बार पीस सकते हैं। और मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि हमने इसमें 1 ही कप पानी ऐड किया था, और इसको अच्छी तरीके से चला लिया है। देखिए एकदम बारीक हो गया है, आलू के टुकड़े नहीं हैं इसमें। तो अब इस मिश्रण को निकाल देंगे किसी भी बड़े से बर्तन में। आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ग्लास का ही हो। मैंने ग्लास का यूज़ किया था, तो कई सारे लोगों ने पूछा था कि हम क्या ग्लास के ही बर्तन में डालेंगे। तो आप इस मिश्रण को स्टील या फिर किसी भी मेटल के बर्तन में डाल सकते हैं, ये रिएक्ट नहीं करता है। जार में डाल दिया है, अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो बैटर है गाढ़ा हो गया है। तो मैंने 3-4 चम्मच जितना पानी डाला है, बहुत सारा पानी भी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो बैटर है हमारा बहुत फ्लोइंग नहीं होना चाहिए। अब जार को अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि इसमें जो पचा हुआ बैटर है वो ख़राब ना हो, यानी वेस्ट ना हो, और इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए मैं थोड़ा ही पानी ऐड कर रही हूँ, बैटर की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही रखना है। अब इसको 5 मिनट हम साइड में रखेंगे कि जो सूजी डाली थी ना उसको थोड़ा सा फूलने का टाइम देना है। अच्छी तरीके से फूल जाएगी तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और अच्छे से इनको मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि बढ़िया से ये फूल तैयार हो जाए। अब चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी के लिए बहुत ही टेस्टी सी चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप धनिया के पत्ते लिए हैं, बढ़िया से धो लिया है, और सिर्फ पत्ते ही लेने हैं, डंठल नहीं लेने हैं। 1 कप लिया है मैंने। अब यहाँ पर डालेंगे इसमें नारियल, तो मैं फ्रेश नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटे टुकड़ों में काट दिया है। अगर आपके पास ताजे नारियल नहीं है तो बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि अगर ताजे नारियल ही डालेंगे तभी इसमें बढ़िया टेस्ट आएगा। नारियल का बुरादा वगैरह नहीं डालना है। धनिया के पत्ते से भी आप ये चटनी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन चटनी बनाते हैं। यहाँ पर नारियल डालने से इसका टेस्ट बहुत औसम हो जाता है और हेल्दी भी होता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टुकड़ा नारियल का ऑलमोस्ट डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, और अब डालेंगे 3 से 4 कली लहसुन की। वैसे इसमें लहसुन की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने डाला है। थोड़ा सा पानी डालें 3-4 चम्मच, और इसको हम मिक्सी को रोक रोक कर बारीक पीस लेंगे। अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा डालिएगा ताकि अच्छी तरीके से स्मूथ हो सके। और ये देखिए पेस्ट हमारा काफ़ी अच्छे से तैयार हो गया है, चटनी एकदम टेस्टी बनी है। आप इसमें चाहें तो तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी बिना ऑयल बनने वाली है, इसलिए मैं इसमें तड़का नहीं डालूंगी, क्योंकि ये चटनी ऐसे मुझे ज़्यादा पसंद आती है, और इस नाश्ते के साथ तो और भी ज़्यादा गजब की लगती है, तो तड़का डालने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसको रख लेते हैं साइड में, और चलिए बनाएंगे अपनी नाश्ते के लिए बहुत ही गजब की चटनी, जो हमारी रेसिपी को एकदम शानदार सा टेस्ट देगी। तो मैंने एक छोटे से पैन में सिर्फ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन अगर डाल के बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस तेल में हम 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है चने दाल की, कच्चा चना दाल है, भुना हुआ नहीं है। और इन दोनों चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल। मेरे पास ये छिलके वाली थी तो मैंने वही डाली है, आप बिना छिलके वाली भी डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। चने की दाल और उड़द की दाल को हम अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेंगे, ध्यान रहे जले नहीं, और ज़्यादा इनके पास जो इनके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स ना आए, हल्के हल्के से भूनना है, धीमी आँच पर। और अब इसमें डाल देंगे करी लीव्स। तो
तो लगभग 15 से 20 मैं करी पत्ते इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि बढ़िया खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इन्हांस होता है। अब इन सारी चीज़ों को हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जो हमारी चटनी को बहुत गज़ब का बनाएगा। इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप मीडियम साइज़ की प्याज ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा और इस तरीके से छोटा छोटा काट करके इसे भी हम डाल देंगे इसी ऑयल में। और प्याज को हमें अच्छी तरीके से सॉटे करना है जब तक कि थोड़े थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए, बहुत गोल्डन नहीं करना है प्याज को हमें। और इसमें हमें ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल भी नहीं करना है, कोई मसाला डालना ही नहीं है। सिर्फ मैं डाल रही हूँ इसमें तीखेपन के लिए लाल मिर्ची पाउडर, तो यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन ये लाल मिर्च डालने से ना थोड़ा सा कलर भी इन्हांस होता है, इसलिए मैंने लाल मिर्च ही यूज़ किया है। 1 चम्मच, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 4 लहसुन की कलियाँ। नमक डाल दें स्वाद के हिसाब से, कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, तो भूल के भी मसाला मत डालिएगा। चटपटा टेस्ट देने के लिए या तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या इमली डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच इमली लिया है, बीज निकाल करके इसको डाल देंगे, या फिर आप चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हल्के हल्के से मिक्स कीजिए और थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे, ताकि प्याज इमली बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो ज़्यादा देर मत पकाइएगा। ये नाश्ता इतना ज़्यादा जल्दी और इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि हर कोई इसका फ़ैन हो जाएगा और आपसे हर सुबह यही खाने की डिमांड करेगा, इसकी आप गारंटी ले लो। देखिए, थोड़ी देर के बाद प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, तो जिस जार में हमने चटनी पीस कर लिया था ना नारियल वाली, इसी में हम ये प्याज वाला मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालिएगा, गरम गरम में नहीं पीसना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं कुक करके प्याज के साथ ही, लेकिन हम यहाँ पर टमाटर नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये रेसिपी हमारे नाश्ते के लिए बन रही है। तो इसको चलिए पीस लेते हैं। अब देखिए, बैटर हमारा अच्छी तरीके से सेट हो गया है। मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था जब तक चटनी बना रही थी। ये अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। थिकनेस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए डोसा बनाने के लिए। और अब चलिए बिना देर किए हम इसके फटाफट से डोसे तैयार करेंगे बिना कोई इनो सोडा डाले। तो मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है गर्म करने के लिए। इस पर थोड़ा सा पानी के छींटे डालेंगे, कोई तेल घी नहीं डालना है। और अब यहाँ पर करछी की मदद से हम 2 करछी के आसपास ये बैटर इस पर डाल देंगे। तवे को हमें बहुत गर्म नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें तवे को गर्म रखना है। और धीरे धीरे से हम इसके बहुत ही सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से क्रिस्पी डोसा तैयार करेंगे। इस तवे के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैंने ये तवा कहाँ से ख़रीदा था, तो इसे मैंने ऑनलाइन लिया था। और अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बहुत ही बढ़िया तवा है और मेरा फेवरेट है, स्पेशली डोसा चीला के लिए। कोई तेल की ज़रूरत आपको लगेगी ही नहीं और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, इसकी आप गारंटी ले लो। बहुत ही बढ़िया इस पर डोसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़े से क्रिस्पनेस के लिए और बढ़िया टेस्ट देने के लिए घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिना घी के भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाल के अच्छी तरीके से इनको सेक लेंगे ताकि क्रिस्प हो जाए। और अब यहाँ पर जो हमने प्याज की चटनी तैयार की थी ना, उसको हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया था जिससे कि काफ़ी स्पाइसी है। तो हाफ साइड पर मैंने थोड़ा सा चटनी लगा दिया है। आप यहाँ पर आलू की स्टफिंग, मटर की स्टफिंग, जो भी आपको स्टफिंग में अच्छी लगे आप डाल सकते हैं। इसका टेस्ट, इस चटनी का टेस्ट बिल्कुल मैसूर डोसा की तरह लगती है। तो आप इस तरीके से बनाएं और जैसे ही गोल्डन हो जाए इनको टर्न करें और इस तरीके से फोल्ड करें। ये देखिए, मैं इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करूँगी। आपको अगर ज़्यादा क्रिस्प पसंद है तो आप इनको क्रिस्प कर सकते हैं। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी डोसा पसंद नहीं है, तो मैं उन्हीं के लिए रेसिपी बना रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। दूसरा डोसा भी इसी तरीके से वापस से वाइप कीजिए थोड़ा सा तेल लगा करके, और अच्छी तरीके से इनको फैलाइए और बना लीजिए। कैसी लगी आलू की डोसा, ज़रूर एक बार कॉमेंट करके बताइएगा। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है, स्पेशली जो चटनी हमने इसके अंदर डाली है ना, उससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे आप किसी भी स्टफिंग के साथ इसको बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं, और इन्जॉय कीजिए। आलू का ये टेस्टी सा डोसा अगर आपको पसंद आए तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। रेसिपी पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिए। रोज़ नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना बबिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने इस वीडियो में आपको 3 तरह की रेसिपीज़ दी है, एक रेड वाली चटनी, एक ग्रीन वाली चटनी और दूसरा आलू का डोसा। तो कौन सी अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।